नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई में 31 अगस्त शनिवार को शिव मंदिर संस्कृत स्कूल के पास होने वाले दूसरे सामूहिक विशाल पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। महारुद्राभिषेक आयोजन को लेकर शिव मंदिर परिसर में कार्यकर्ता तैयारियों व व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मंदिर परिसर में जहां पर पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, वहां पर कार्यकर्ताओं की टीम टेंट लगाने में, ट्रैक्टर से भूमि को समतल करने में, साफ सफाई और व्यवस्थाओं में दिन रात जुटी हुई है। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में बालूराम सैनी, संतोष सैनी, मोहनलाल सैनी, कालूराम सैनी, लीलाराम सैनी, दिनेश, रंजीत, सोनू, रविंदर, राहुल, हंसराज, तेजपाल, ललित, रितेश टीम बनाकर लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए थोई सरपंच राम प्रकाश सैनी, कॉन्ट्रेक्टर राजेश कुमार सैनी, सुशील बीवाल, विनोद ढोलान वह ज्योतिषाचार्य पंडित देवकी नंदन शास्त्री के साथ साथ अनेक लोग उपस्थित हैं। तैयारियों को लेकर थोई सरपंच राम प्रकाश सैनी ने कहा कि लगभग तैयारियां आयोजन को लेकर पूरी कर ली गई हैं। आगे कहा कि यह आयोजन समस्त ग्राम जनता थोई के सहयोग से किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी थोई ग्राम जनता का तन मन धन से सहयोग इस महारुद्राभिषेक के आयोजन को मिला था। उसी को लेकर दूसरा विशाल पार्थिव महारुद्राभिषेक का आयोजन संस्कृत स्कूल के पास शिव मंदिर में किया जा रहा है, जिसको लेकर भी थोई ग्राम पंचायत के लोगों में उत्साह देखी जा रही है। थोई ग्राम पंचायत के लोग सभी बढ़ चढ़ कर इस रुद्रा महाभिषेक में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टर राजेश कुमार सैनी ने कहा कि पिछले वर्ष बरसात के कारण आई समस्या को देखते हुए इस बार संस्कृत स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर परिसर में तीन व्यवस्था करवाई गई है और बरसात को मद्देनजर रखते हुए आने की संभावना जताते हुए तैयारियां, टेंट की व्यवस्था भी वाटरप्रूफ की रखवाई गई है। आइए सुनते हैं तैयारियों को लेकर और महारुद्राभिषेक के आयोजन को लेकर इन सब लोगों ने क्या कहा। 31 अगस्त को यहाँ विशाल महारुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है शिव मंदिर संस्कृत स्कूल के पास। हम यहाँ सुबह से तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ सुबह आए तो ट्रैक्टर अवेलेबल था, फिर टेंट वाला आया टेंट लगाने के लिए, फिर यहाँ सुबह से साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और अभी भी हम सभी टीम के साथ काम में जुड़े हुए हैं। हम युवाओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा फील हो रहा है युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे यहाँ 31 तारीख को रुद्राभिषेक होने जा रहा है 111 जोड़ों का, और यहाँ बहुत अच्छी तरह से तैयारियाँ हो रही हैं हमारी टीम के द्वारा। सुबह से लग रहे हैं साफ सफाई और अच्छी तरह से साफ सफाई करेंगे युवाओं के साथ, और बढ़िया से बढ़िया युवाओं का सहयोग मिल रहा है। ओम नमः शिवाय। आज 31 तारीख को पार्थिव सामूहिक शिव रुद्राभिषेक का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें 111 जोड़े बैठेंगे। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक हमारा चलेगा, 5 बजे बाद में प्रसाद का प्रोग्राम रहेगा। हर जोड़े से 2100 रुपये लिए गए हैं, जिसमें 1100 रुपये तो विद्वान को दिए जाएंगे और 11 आदमी व्यासपीठ पे बैठेंगे, और सारी व्यवस्थाएं बाकी भामाशाह से, ग्राम जनता से, सबके सहयोग से हो रहा है। अपील करते हैं कि इस धार्मिक काम में, इस पुण्य के काम में सभी से आशा भी रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, भगवान का प्रसाद पाएं और इस पुण्य काम में अपनी जो भी जितनी आस्था से मेहनत कर सके, जैसे वो जोड़े बैठेंगे उनके प्रति जैसे सामान पहुँचाना, और तो इस पुण्य के काम में भाग लें और सब पहुँचें, ये सभी से आशा और विश्वास भी है। पिछले साल भी हमारे 111 जोड़ों का प्रोग्राम रहा था, बहुत शानदार रहा था, ग्राम जनता का बहुत सहयोग रहा था और आशा है अभी उससे बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो मैं पीडीएस न्यूज का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनको जहाँ कहीं भी याद करते हैं या इनको भनक लग जाती है सार्वजनिक प्रोग्रामों की, तो वहाँ पे वो उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं। अब 31 तारीख को जो ये शिव पार्थ शिव रुद्र अभिषेक हो रहा है, जैसे पिछले साल से शुरू किया था उसमें कोई कमियां रह गई थी तो उसको अब की बार हमने ध्यान दिया है। तो इसलिए देखो बारिश के चक्कर से पिछली बार ये देखे कि बारिश हो रही है, तो ये देखो टिन सेट लगवा दिया है, तैयार करवा दिया कि भाई इसमें कोई फंक्शन हो तो इसमें हो। टेंट की जोरों से तैयारियां चल रही हैं, कार्यकर्ताएं लग रहे हैं साफ सफाई में,
और जेसीपी वगैरह की मदद से समतलीकरण का काम हो रहा है। हलवाई अपना काम कर रहे हैं, राशन आ गया है, सूखा सामान, और सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। और ग्राम जनता से यही निवेदन है कि वो समय पे आए और इस सार्वजनिक प्रोग्राम का आनंद ले। जय हिंद, जय भारत। दिनांक 31 अगस्त 2024 प्रदोष शनिवार को इस संस्कृत विद्यालय में स्थित शिवालय परिसर के प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विशाल सामूहिक पार्थिव महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप कार्यकर्ता, यजमान और श्रोता बनकर के कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के वेद मंत्रों की ध्वनि जिस स्थान तक पहुंचती है उस स्थान के प्रत्येक जीव मात्र का उद्धार हो जाता है। और यह कार्यक्रम भगवान आशुतोष का है जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। शिवजी का प्रियाय आशुतोष है जो प्रत्येक जीव मात्र का उद्धार कर देते हैं। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि आप इसमें तन मन धन से सहयोग करें। कार्यकर्ता, यजमान और श्रोता के रूप में यहां पधार करके दर्शन मात्र करने से भी आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सुबह 9:15 बजे से प्रारंभ होगा जो सायंकाल 5 बजे तक चलेगा। यहां सभी भक्तगण बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही आनंद उमंग के साथ लगे हुए हैं। बच्चे, बुजुर्ग और युवा साथी सभी ही सफाई के कार्यक्रम में, पांडाल व्यवस्था में, मंच की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।